नमस्कार, हेडलाइंस इंडिया के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तुषार। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। बिहार में सीतामढ़ी जिले के एक गांव में कल देर रात एक बस के चपेट में आ जाने से 16 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक अजिताभ कुमार ने आज बताया कि गांव में विश्वकर्मा पूजा के बाद स्थानीय ग्रामीण जब सड़क के किनारे बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। वैश्विक वित्त बाजारों में डावाडोल स्थिति और दुनिया भर के शेयर बाजारों में मंदी के तूफान के बीच देश के शेयर बाजारों में भी आज चौतरफा बिकवाली से भारी गिरावट दर्ज की गई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक कारोबार की शुरुआत में ही 500 अंक से अधिक लुढ़क कर 13,000 से नीचे चला गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 150 अंक से अधिक लुढ़क कर 3,900 के नीचे के स्तर पर चला गया। वक्त है एक ब्रेक का, पर ब्रेक के बाद बाकी है कुछ और खबरें। हिंदी बुलेटिन में आपका दोबारा स्वागत है। अहमदाबाद में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट के मुख्य अभियुक्त अबू बशर को गुजरात पुलिस आज दिल्ली लेकर आई, ताकि दिल्ली धमाकों में वंचित मास्टरमाइंड अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ तौकीर के साथ उसके संबंधों और सुरागों का पता लगाया जा सके। अबू बशर कथित तौर पर तौकीर के साथ दिल्ली में रुका था। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने कहा कि बिग बॉस 2 नाम का रियलिटी शो है। बिग बॉस 2 लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में असफल रहा है, क्योंकि शो के दौरान इसके सहभागी अपना वास्तविक चित्रण नहीं कर रहे हैं। रवि ने कहा कि इस शो में सहभागी अभिनय कर रहे हैं। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, पर बाकी की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट headlinesindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।